अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब पे क्लिक करें और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल की सेटिंग करें ताकि सारी हेल्थी वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस पे। मैं हूं अभिषेक चौहान और आज एक और नई इंफॉर्मेटिव नॉलेज वाली वीडियो लेके आया हूं। लास्ट टाइम मैंने थायराइड के बताई थी, थायराइड क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया ब्लड प्रेशर क्या होता है। आज इस वीडियो में लेके आया कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को पता है कि उनको कोलेस्ट्रॉल है, बट उनको ये नहीं पता कि ये हुआ कैसे और कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, बॉडी में से क्या चेंजेस होते हैं, क्या खाने से होता है, क्या नहीं करने से होता है, जब होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और कोलेस्ट्रॉल एक इतनी आजकल लोगों को, हर किसी को कोलेस्ट्रॉल होता है क्योंकि बाहर का खाना स्विगी जोमेटो इतना आ गया कि बाहर का अनाप्शन आप खाने के कारण, लेक ऑफ एक्सरसाइज, वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते जिनके कारण हो जाते, और बहुत सारे सब तमाम चीज़ें जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल होता है। और ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरीज लेके आए हो तो मैं आज इस वीडियो बता रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है ए टू जेड। सबसे पहले बता दूं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हमारे सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। बट कौन सा कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, वो है गुड कोलेस्ट्रॉल। उससे पहले पता है कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक, जो कि हमारी बॉडी में जरूरी है। और क्या बनाता है, वो बनाता है हमारे सेल्स के मेम्ब्रेन को, और अगर मेल है तो टेस्टोस्टेरोन और फीमेल है तो एस्ट्रोजन, मतलब सेल्स के मेम्ब्रेन को बनाने के लिए काम आता है और उसके साथ साथ एस्ट्रोजन टेस्ट हॉर्मोन्स बनाने के लिए काम आता है। इसलिए हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होना बहुत जरूरी है। 80% कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है, बाकी 20% हमको डाइटरी सप्लीमेंट से मिल जाता है, जैसे कि मीट हो गए, चिकन हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, जितनी भी नॉन वेज है उनमें ज़्यादा होता है, फिर डेयरी में देखे तो अपना मिल्क हो गया, इसके अलावा नहीं होता। नॉन वेज में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा रहती जो कि अच्छा रहता है, अच्छा बुरा मैं बाद में बताऊंगा, बट कोलेस्ट्रॉल उनमें रहता है। कोलेस्ट्रॉल आता जाता किसके थ्रू है, वो है ब्लड स्ट्रीम। जी हाँ, नस नाड़ियाँ जहाँ खून दौड़ता है हमारा, जाहिर सी बात है जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें जो भी होती है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, फिर आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब क्या है, ब्लड के थ्रू ही जाते हैं क्योंकि वही रास्ता बॉडी से एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, उसी में कोलेस्ट्रॉल जाता है। और सबसे कोलेस्ट्रॉल जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं वो जाता है पश्चताकाय पे, आपके इंटेस्टाइन में, कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आर्टरियों में जाता है और वहाँ पचता है, पचने के बाद वो कहाँ जाता है, आपके लीवर में। ध्यान रखिए, लीवर में स्टोर होता है और लीवर में स्टोर होने के बाद आपकी बॉडी में कहीं भी ज़रूरत है ऊपर से नीचे तक कोलेस्ट्रॉल की, वहाँ वो पहुँचाता है। और जाहिर सी बात है वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। मेल का एग्जांपल ले लूँ तो मेल में जब टेस्टोस्टेरोन बनने की ज़रूरत पड़ती है तो लीवर से निकल के वो टेस्टिकल्स में चल जाता है, टेस्टिस में चल जाता है, काय के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। मतलब कुछ ना कुछ तो रास्ता होना चाहिए ना, और भी दूसरी दूसरी चीज़ों के लिए काम आता है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा आ जाती है, बन जाती है, तो वो लीवर के अलावा फिर दूसरी जगह स्टोर होने लग जाता है और वो है ब्लड स्ट्रीम। जी हाँ, जो नसें होती है, जो खून, जिस नस नाड़ियों के थ्रू जो खून बहता है, उन नस नाड़ियों में वो जमने लग जाता है और उसके बाद फिर लोगों को हार्ट डिजीज होती है, स्ट्रोक होते हैं और फिर अलग प्रॉब्लम आती है। अब बात करें हम कोलेस्ट्रॉल कितने तरह के होते हैं, या दो तरीके के होते हैं, LDL और HDL, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल नाम से ही साबित होता है कि जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले बात करूँ मैं बैड कोलेस्ट्रॉल की, ये क्या होता है, जो कि LDL कहते हैं, जिसको लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो वो ज़रूरत पड़ती है लाइकोप्रोटीन की। एक तरह का लाइको मतलब फैट और प्रोटीन, तो आप समझते ही, प्रोटीन भी बहुत तरह के होते हैं। ये क्या करता है, एक तरह का ड्राइवर का काम करता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। LDL मतलब लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन, मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल लाइकोप्रोटीन की मात्रा कम है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा, और अगर ब्लड में फ्लो कर रहा है तो वो कहलाता है LDL। आपकी ब्लड में LDL की मात्रा ज़्यादा है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है। अगर HDL हाई डेंसिटी लाइकोप्रोटीन, मतलब लाइकोप्रोटीन की मात्रा ज़्यादा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है और वो आपके ब्लड में फ्लो कर रहा है, तो वो कहलाता है गुड कोलेस्ट्रॉल, मतलब हाई डेंसिटी लाइकोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है, जो कि आपके ब्लड में फ्लो कर रहा है। पता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है, LDL रहता है, जो वो हमारी बॉडी में किस तरह से नुकसान पहुँचाता है। देखिए, जब वो ट्रेवल करता है तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के बीच में जो हमारे रास्ता रहता है, नस नाड़ियाँ रहता है जिससे खून दौड़ता है, उसमें वो चिपकने लग जाता है, उसकी वॉल पे, जैसे पाइप है,
पाइप पे ट्रेवल करते करते यहाँ चिपक जाता है, ठीक है। चिपकते चिपकते वो इतना बड़ा पाइप का जो सीरा था, मुंह था, वो उसको नैरो कर करके इतना सा कर देता। आप ये फोटो देख रहे हैं, पहली जो इमेज देख रहे हैं इसमें फ्लो कर रहा है, सेकेंड में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होते होते वो आपने देखा होगा पाइप पे चिपक गया और रास्ता नैरो कर दिया, तीसरे स्टेज में बहुत ज़्यादा ही चिपक गया और वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। तो बैड कोलेस्ट्रॉल यही करता है, और इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, वो है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है जो कि ब्लड क्लोटिंग के लिए जरूर, ब्लड क्लोटिंग का काम करता है, खून का थक्के बनने का काम करता है। और ये जो चिपकता है ना आपके वॉल पे, मतलब जो पाइप है उसकी वॉल पे, यही काम करता है ट्राइग्लिसराइड, जो कि बहुत ही बुरा रहता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चुपचाप चले जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल चुपचाप जाता नहीं, वो आपकी नस नाड़ियों पे चिपक जाता है, जिसके कारण जो आपकी पाइप्स ब्लड स्ट्रीम है, जो नस नाड़ियाँ जिससे खून का बहाव होता है, वो छोटी हो जाती, नैरो हो जाती, जिसके कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक, नस नाड़ियाँ चोक होना, नस नाड़ियाँ फूटना, सिकुड़ जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, जो जम जाता है इसका कारण इन्फेक्शन होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। और जब नस नाड़ियाँ की, कहने का मतलब है कोलेस्ट्रॉल आपका ब्लड स्ट्रीम की जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर देता है। और ब्लड स्ट्रीम मतलब आपके बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक न्यूट्रिएंट चीज़ें पहुंचाने वाला रास्ता, ब्लड का ही रास्ता अगर अच्छे से नहीं होगा तो फिर वो पहुँच ही नहीं पाएगा। तो यही काम होता है बैड कोलेस्ट्रॉल का, इसलिए हमें चाहिए रहता है गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि सीधे सीधे निकल जाता है। अब बात आती है क्या खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और क्या खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। देखिए, वो लोग जो बाहर का ज़्यादा खाते हैं, जब से जोमेटो और ये स्विगी आया और उबर ईट्स आया, जिसके कारण बाहर रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं, उसके कारण होता है अनहेल्दी ऑयल जो रहते, जो जैसे कि मैंने बताया ऑयल इनके कारण होता है, अनहेल्दी फूड खाते हैं उसके कारण होता है। क्या होता है, मैक्सिमम जो कोलेस्ट्रॉल है वो होता है फैट के कारण। फैट मतलब जो घर में आप तेल यूज़ करते हैं उसके कारण, दूसरा कारण भी होता है बट मैक्सिमम फैट के कारण होता है। जो ऑयल, ठीक है, जब आप कोई सा भी प्रोडक्ट लेके आएंगे उसके पीछे देखेंगे तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिखा रहता है, फिर भले आप घर का तेल हो या दूसरा भी हो, बिस्किट है, खाने की चीज़ है, पैकेट फूड है, सबके पीछे इंग्रेडिएंट लिखा रहता है। उस इंग्रेडिएंट में देखेंगे न्यूट्रिशन में लिखा रहता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और फैट में लिखा रहता है सैचुरेटेड फैट और लिखा रहता है अनसैचुरेटेड फैट, और उसके बाद सोडियम पोटेशियम वगैरह और दूसरी चीज़ रखी। सैचुरेटेड फैट गंदा फैट होता है जिसके कारण ही कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए वो चीज़ खाइए जिसमें लिखा रहता है अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा हो, या फिर उसके नीचे और लिखा रहता है जिसमें पॉलीसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड, ये दो तरह के अनसैचुरेटेड है। वो तेल जो अनसैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट में ज़्यादा रहेगा, वो गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए रहता है, और सैचुरेटेड फैट हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो रिपोर्ट आती है कोलेस्ट्रॉल की, उस कोलेस्ट्रॉल में टोटल कोलेस्ट्रॉल रहता है वो 200 mg पर डेकालीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो हेल्दी माना जाता है टोटल। अब mg पर डेकालीटर क्या होता है, सिंपल तरीका सा नापने की यूनिट है। अगर आप एक लीटर दूध में 200 ग्राम शुगर मिला देंगे, शक्कर मिला देंगे, तो आपको पता रहेगा यार इसके अंदर 200 ग्राम शुगर है। वैसे ही पर डेकालीटर बहुत ही छोटी यूनिट में कितने एम जी कोलेस्ट्रॉल मिला है, गुला है, वो कहलाता है, इनकी यूनिट कहलाती है, ठीक है। 120 होना चाहिए नॉर्मल। अब बात आती है उसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, एचडीएल और एलडीएल, इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब हाई डेंसिटी लाइकोप्रोटीन की मात्रा कम से कम 60 एम जी पर डेकालीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, और बैड कोलेस्ट्रॉल की 40 एम जी पर डेकालीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये रेंज याद रखना, अगर ये आपका रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हेल्दी रहेंगे। और हमें कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका साल में एक बार बॉडी का ब्लड टेस्ट ज़रूर कराए, रूटीन चेकअप ज़रूर कराए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी वगैरह, ब्लड की और दूसरी चीज़ों की भी जाँच होती है, जो कि साल भर में एक बार करा रहनी चाहिए, तो उससे हमको पता चल जाएगा हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। अब सब समझ चुके होंगे कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, क्या होता है, क्या खाने से होता है, क्या खाने से नहीं होता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मैंने कोशिश करी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी बी हेल्दी, टेक केयर।